सत श्रीकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरां रुक सब तो पहला करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दे अस्तीफे दे फाल। लगातार सियासत बनी हुई सी इस मसले दे उत्ते कि आखिरकार सिद्धू ने अस्तीफा क्यों दिता है, की अस्तीफा मंजूर होया जां अस्तीफा ना मंजूर होया, इस अस्तीफे दे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू का स्टैंड की है, इस अस्तीफे के उत्ते हाईकमान का स्टैंड की है, बहुत वड्डे सवाल बने हुए सी। इन्हां सारे सवालों के उत्तों पर्दा उठ चुकिया जी। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू के वलों वड्डा खुलासा इस मसले दे विच कर दिता गया है। नवजोत कौर सिद्धू ने साफ कर दिता है कि जेकर किसी अहदे का लालच हुंदा तां नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी महकमे दे विच मंत्री रह के पैसे कमा सकते सी, पर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दे मॉडल दे उत्ते काम करना चाहते ने, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दे विकास दे लई काम करना चाहते ने, इस करके उन्हां दे वल्लों अस्तीफा दिता गया। सो नवजोत कौर सिद्धू ने होर भी कई अहम अते वड्डे खुलासे जिहड़े ने इस दरम्यान कीते ने, जदों अमृतसर दे विच इक प्रोग्राम दे दरम्यान पहुंचे सी, की कुछ कह रहे ने नवजोत कौर सिद्धू ओह सुणो। जे पंजाब दे भले लई लॉलीपॉप मंगने नहीं, लॉलीपॉप मंगने होंगे तो डिपार्टमेंट च रह के पैसे खाता, है ना, बैंक अकाउंट चेक कर लो, इनकम टैक्स की रेट करा दो, विजिलेंस करवा लो, तो देख लो उन्होंने की कमाई की, उन्हें अपनी जेब खाली की है। सो लड़ाई जे पॉजिटिव नहीं हो कि पंजाब का भला हो, मैं कहनी हाँ सारा पंजाब वो भी जी लड़ाई लड़े। अज जे तुम बहस की गल करते हो तो बहस ये वाली हेल्दी कॉम्पीटिशन होंगे, ये लड़ाई नहीं होंगी। तुसी रात के 8 बजे बैठे हो, सवेरे 3 बजे तक बहस कर रहे हो कि आप क्यों नहीं पूरा कर सकते। तुसी इलेक्शन लड़ोगे या सिद्धू साहब लड़ने और कितना लड़ने? देखो यही तो मेरी प्रॉब्लम है, जदों असी कांग्रेस चाहे ताई सानू 2 सीटा ऑफर हुई हैं, ओदा भी मेरे घर वाले ने मैनू लड़न नहीं दिता, 2 सीटा जदों की अमृतसर ईस्ट के अगे लिखे हुए सी डॉक्टर नवजोत सिद्धू, तो नवजोत सिद्धू नू कहा गया सी वी भाई तू कोई सीट होर लभ लै, उन्हें उदों भी यही गल कही सी। हुण भी मैनू पता है कि वो एज MLA मैनू नहीं लड़न दऊगा, पर मैं प्रोमिस यही मेरा रहूगा कि मैं कम एज MLA हल्का यही रहेगा। क्योंकि जिन्ने भी हुण मंत्री सारे मंत्री इसे गल दे अड़े हुए हैं कि वो 13 पॉइंट एजेंडा सारा पूरा होना चाहिए। राहुल जी भी क्लियर कर चुके हैं कि ये थोड़ा 13 पॉइंट एजेंडा पूरा होना चाहिए। जो अगे कहा गया पुलिस वालों को वो यही कहा गया भी ड्रग्स पर कंट्रोल चाहिए, लोगों सेफ्टी चाहिए है, सरकारी काम चाहिए है। सो थोड़ा हौली हौली दिख दिख भी रहे तो दिखता। तो हूँ बात अगली खबर के वाल, खबर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के संबंधित है। पंजाब के नवे बने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी लगातार एक्शन मूड के काम कर रहे ने, हालांकि जमीनी पद्धर के उत्ते उन्होंने ऐलाना तो आम लोग उस तरह के नाल खुश नहीं, पर जिस तरह के ऐलान होंगे ने उस तो खुशी जरूर है, क्योंकि जमीनी पद्धर के हते उत्ते हजे ना ऐलाना के लागू होने की प्रक्रिया उस पद्धर से शुरू नहीं सी हुई। पर बीते दिन ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट की बैठक तो बाद एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई वड्डे ऐलान किए ने, पर उस तो पहला तुहानू चरणजीत चन्नी की वो तस्वीर विखावांगे जो चरणजीत चन्नी ने अपने हत्थी पिंडां दे लोगों के बकाया खड़े बिलों को खुद अपने हत्थी साड़िया, तो उन्होंने कहना सी कि सारे बिल हुण पंजाब की सरकार आप भरेगी। सो चरणजीत चन्नी रूपनगर के पहुंचे से, जिथे रूपनगर के उन्होंने अपने हत्थी बकाया खड़े बिलों को साड़ दिता, उन्होंने कहना सी कि सारे पंजाब सरकार ते ने देना चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को जिन्हों तो बिजली के बिल नहीं दिते जा रहे सी, उन्हां दे बिजली दे बिलों का वजन सरकार ने आप चक लिया। अगे तो आने वाले दिनों तुसी देखोगे असी बिजली बारे होर बड़े फैसले भी लवांगे, लेकिन ये बड़ा फैसला 1200 करोड़ रुपया जेड़ा मिडिल क्लास के गरीब लोगों के बोझ सी, जेड़े वो बिजली नहीं दे सकते सी, जिस करके उन्होंने कनैक्शन कट हो रहे सी, वो सारा वजन असी बिजली अपना चक के सरकार वालों उन्होंने सारे बिल माफ कर दिए है, आ उन्होंने अग लगा दी है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के वलों बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई सी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चरणजीत चन्नी के वलों कई मुद्दों से कई गलों के उत्ते साफ और स्पष्ट जिहड़ा स्पष्टीकरण दिता गया है। खास तौर के उत्ते पंजाब दे विच BSF के अधिकार खेत्र वधन के उत्ते बहुत वड्डी सियासत हुई है। इस उत्ते
चरणजीत चन्नी नूं भी वख-वख मसलियां दे विच घेरिया जांदा ते उधर दूजे पासे इसे मसले दे विच सियासत भी बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते आ। खास तौर दे उत्ते सुखबीर सिंह बादल दी गल करिए तो लगातार चरणजीत चन्नी दे उत्ते इल्जामां दी झड़ी ला रहे सी, पर चरणजीत चन्नी ने सुखबीर सिंह बादल दे समेत सारे विरोधियों नूं साफ शब्दां च जवाब देण दी कोशिश कीती है। कीकू चरणजीत चन्नी ने इस मसले च क्या सुन जेड़ा बीएसएफ ते सीआरपी केंद्र सरकार ने तुहानूं पता है कि उहदा दायरा 50 किलोमीटर कर दिता है। कैबिनेट कुछ दिनों दे विच दुबारे इस ते स्पैशल असीं कैबिनेट मीटिंग बुला रहे। असीं इस गल तों बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरह के फैसले पंजाब सरकार राज दी सरकार जिहड़ी राज विच लागू किए जा रहे उन्हां तों पुछे बिना नहीं ले जाने चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन नहीं रहने चाहिए। और जेड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वह स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसी सक्षम है पंजाब सरकार, सक्षम है जे पंजाब सरकार दी पंजाब दी पुलिस अतवाद खत्म कर सकती है ता ए सक्षम है कि किसी भी घटना नूं होण तो रोक सकती है। और ऐसी हर तरह की लड़ाई देश वास्ते कौम वास्ते अपने सूबे की तरक्की वास्ते लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते करने नूं तैयार है और ऐसी सक्षम है। इस करके 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करना किसी तरह भी जायज नहीं है। ऐसी इसका विरोध कर दे बिल्कुल क्लीयर शब्दों के विच है। कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, मैं चिट्ठी लिखी है, FM साढ़े होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिखी है, कैबिनेट के विच गल करके पास करांगे, जरूरत पई तां ऑल पार्टी मीटिंग करांगे, बाकी पार्टियां नूं भी नाल लेके चलांगे। ये सारे पंजाब की लड़ाई है, कल्ली किसी एक पार्टी की या कल्ले किसी सरकार की लड़ाई नहीं है। इस करके जे जरूरत पई नहीं होएगा तो स्पैशल विधानसभा का सैशन भी इस मुद्दे ते सद्या जाएगा। नाल ही मैं सुखबीर बादल जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैं उन्होंने बेनती करना चाहना कि सेंसिटिव इशू है, पूरे सूबे की गल है, सूबे की जिहड़ी जो इहदे कंस्टीट्यूशनल राइट है, स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट दे रिलेशन है, जो फैडरल सिस्टम साडा कंस्टीट्यूशन सानू दिंदा है उसके अधिकारां दी गल है। इस करके इस नू भड़काऊ शब्दों दे विच ना करो। उधर चन्नी दे इस प्रतिक्रम तो बाद जो प्रतिक्रम आया है वह है सुखबीर सिंह बादल का। सुखबीर सिंह बादल अते आम आदमी पार्टी दे आगू कुलतार सिंह संधवा ने इस मसले दे विच मिल के चरणजीत चन्नी नू सियासी घेरा पाया। इस सियासी जाल दे विचो चरणजीत चन्नी नू किस तरह निकलना होएगा ये आने वाले दिन दसणगे, पर बयान किस तरह के ने वो तुहानू सुणाउणे आ। आ जिहड़ी 50 किलोमीटर की जिहड़ी BSF की रेंज वधाई है, मतलब अद्धा पंजाब अबोर तो लैके सारा अद्धा पंजाब BSF के थले हो गया। नाल दे नाल चन्नी ने हुक्म किया हुण DIG अमृतसर रेंज BSF को रिपोर्ट कर गया हुण की आ अपना सूबे का आ मुख्यमंत्री बनता आ तोहफा दिता है। मुख्यमंत्री के लिखण के बगैर परमिशन के बगैर हो ही नहीं सकता। ये गल बिल्कुल ठीक है, पर तुहानू अज जिहड़ी तुहाडे हथ दे विच पावर है वी तुसीं क्यों नहीं एक दिन का सैशन बुलाउंदे ते उत्थे इह तिन जिहड़े तिन काले कानूनां दे नाल ही जिहड़ा इह BSF वाला जिहड़ा कानून आया इहनूं दुबारा रद्द करके, क्योंकि जिहड़ा होम जिहड़ा डिपार्टमेंट है लॉ एंड ऑर्डर है जिहड़ा उह स्टेट सबजैक्ट हुंदा, तुसीं क्यों नहीं उत्थे इहदे खिलाफ कानून पास करके एक मता पास करके केंद्र नूं भेजदे ते तुसीं ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ, DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, 5-5, 7-7 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਹੱਲ। ਉਧਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ
खाली होने के चलद पूर्ति नहीं होंगी। तो इस मौके पर चरणजीत चन्नी का कहना है कि पंजाब का खजाना ना तो कदे खाली रहा है तो ना ही रहन देंगे। तो ना ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों होर भी वड्डे ऐलान होंगे। किको चरणजीत चन्नी ने इन्हां ऐलानां दे बारे स्पष्ट किया, किको चन्नी ने खजाने के बारे क्या वो सारी गल तुहानूं सुणाउने आ। कुछ खास ऐलान क्लास फोर के लिए भी जिहड़े ने चरणजीत चन्नी दे वल्लों किए गए ने। कई साडे विरोधी कहिंदे जी खजाना खाली है जी, ये है जी, वो है जी। पंजाब दा खजाना कदे खाली नहीं हुंदा, ना ऐसी खाली होण देना, भरिया रहेगा। हर ऐसी पंजाब दे लोकां नूं सही प्रशासन, हर सही सहूलतां जिहड़ियां उहनां दीआं बणदीआं, सही रेटा ते बिजली और पानी सीवरेज देण लई वचनबद्ध है। सही और पढ़ाई है जिहड़ी ओह वधिया क्वालिटी एजुकेशन देण लई वचनबद्ध है और असीं दवांगे। लेकिन जे असीं आप इस तरह करांगे कि आउटसोर्स दे बंदे रखांगे, सारी उमर उन्हां दे तलवार लटकदी रहिंदी जद तक नौकरी करदे रहिंदे कि अज कट ते कल कट ते जद मर्जी कट दो। इह सिस्टम नूं असीं खतम कर रहे हां। असीं फैसला कर लिया कि क्लास डी दियां पोस्टां भी रेगुलर भर्ती होणगियां ते असीं हुणे इन्हां नूं भर्ती शुरू करांगे। इन्हां दी जिन्नियां पोस्टां खाली है उह भरांगे। गरीब आदमी नूं भी, मिडल क्लास दे आदमी नूं भी उन्ना ही हक है। डी क्लास दे अफसर या कर्मचारी नूं भी उन्ना ही हक है जिन्ना आईएएस अफसर नूं है, जिन्ना अफसरां नूं है। कि जे अफसर रेगुलर भर्ती हुंदा है तां ड्राइवर भी रेगुलर भर्ती होना चाहिए। इह असीं फैसला कीता। उधर चन्नी ने जो नवजोत सिंह सिद्धू के संबंध च सवाल होया तो उन्होंने साफ कह दिता कि PPCC प्रधान ने नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्होंने उत्ते भी हाईकमान है, हाईकमान नूं चिट्ठी लिखना, साढ़े तक गल पहुँचना, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो नवजोत सिंह सिद्धू हर तरह की सलाह देंदे ने, वो साढ़े नाल ने। उन्होंने पत्रकारों के स्पष्ट करने के लिए भी आख दिता कि जे कहूँ तो अगली प्रैस कॉन्फ्रेंस नवजोत सिंह सिद्धू मेरे नाल बैठे होणगे। सो इस तरह के नाल गल नूं कवर करन दी कोशिश चरणजीत चन्नी दे वल्लों कीती गई है। की कुछ चन्नी साफ शब्दों दे विच इस मसले दे विच कह रहे ने, उह सुणो। 18 पॉइंट होण, 21 पॉइंट हो गए, 24 पॉइंट हो, जो एजेंडा है ऐसी ओ इन बिन लागू कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट बाहर नहीं रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू जी, जे तुहानूं लगदा है कि कोई साडे च फर्क है, मैं अगली मीटिंग च इत्थे बिठा लांगा उहनां नूं। एकता दे नाल सारा कुछ चल रहा है। हर सिस्टम दे विच ठीक है, उन्होंने इशू उठाए है। हर ऐसी ओ इश्यूज नू पार्टी प्रधान दा राइट है कि ओ उठावे, ते पार्टी दी आइडियोलॉजी नू ऐसी इंप्लीमेंट करना है। पार्टी सुप्रीम है, फिर मैं कह के जाना खाली है। मेरी आइडियोलॉजी ये है, सुन, वो मेरी आइडियोलॉजी ये है, वो कहदा कर्जा साडे ते कोई गल नहीं। एक उन्हां दे उपर भी हाई कमांड है, वो अपनी हाई कमांड नू दस रहे, सानू भी दस रहे नाल। ऐसी रल के सारे मुद्दे हल हो जाने हैं। ये गल तुहानू मैं दस दिना अज कि घर घर दे विच चली गल, सरकार करेगी मसले। इस दरमियान चन्नी दे वल्लों गल आखी गई सी कि घर घर चली गल, पंजाब सरकार करदी मसले दा हल। इस कोड लाइन दे अधीन पंजाब दे विच बहुत वड्डे वड्डे होल्डिंग भी लगे जिथे लिखिया जांदा कि घर घर चली गल, चरणजीत चन्नी करदा मसले हल। इस तों आम आदमी पार्टी नूं सियासी तौर दे उत्ते तकलीफ होई है। आम आदमी पार्टी दे MLA जयकिशन रोड़ी दे वल्लों इस मसले च आख्या गया है कि यह जो तुकां बनाईयां जा रही ने, यह हुण बदलदियां जा रही ने। आम लोगों नूं ऐलान नहीं, जमीनी पद्धर दे उत्ते इन्हां स्कीमां दे लागू होण दा प्रभाव चाहीदा। आई जंज ते बिन्नो कुड़ी दे कंध, अज साढ़े चार साल बाद पंजाब दी कांग्रेस सरकार नूं लोकां दी याद आ रही है। पर अज एक गल बड़ी हर घर चल रही है कि हर घर में चले गल चरणजीत चन्नी साहब को है नहीं किसी भी मसले का हल। इन्ने समय तो जो तो मुख्यमंत्री बने ने, सिर्फ ऐलान के ऐलान और ऐलान के ऐलान ही किए जा रहे हैं। अज तक चन्नी साहब ने जिन्हें भी ऐलान किए ने, वो एक भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कहते कि बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, हर घर के असी रुजगार देन जा रहे हैं, किसी का बिल माफ़ नहीं होया, किसी घर के रुजगार नहीं मिलया। तो हूँ ये भी जोड़े ऐलान ने सिर्फ ऐलान ही रह जाएंगे। लोग जड़े ने घर घर जोड़े प्लाटा की गल चल रही है कि असी वो फॉर्म भरने हैं, पर जो उन्होंने याद आती है कि पिछली सरकार जो बननी सी तो उदो कांग्रेस सरकार ने जोड़े हर घर नौकरी दिन का फॉर्म भरिया, फॉर्म भर के मुड़ के जेब पा के रख लेंगे ने,
चन्नी साहब सिर्फ गल्लां ना करो मसले का हल भी करो अज तुहाडे कोल तुहाडी अपनी सरकार है। उधर डेरा सिरसा मुखी राम रहीम नूं बीते दिन एक कतल केस दे विच उम्र कैद हो गई है। दस दी कि 2002 दे विच वापरे कतल कांड मामले दे विच डेरा सिरसा मुखी राम रहीम नूं उम्र कैद की सज़ा दे समेत 31 लाख रुपए का जुर्माना CBI की स्पैशल सैशन कोर्ट के वलों लगा दिता गया। दस दिए कि पंचकूला की CBI स्पैशल कोर्ट के वलों राम रहीम के समेत 5 जणियां इस मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो नाल ही बाकी मुलजमान 50,000 का जुर्माना तो राम रहीम 31 लाख रुपए का जुर्माना इस मसले के विच होया। राम रहीम उम्र कैद की सज़ा हुण कट्टणगे। इस मसले के विच भी पहला ही वह छत्रपति पत्रकार के कतल मामले के विच अते उसके नाल ही बलात्कार मामले के विच भी पहला ही सज़ा कट रहे ने। इस तो बाद भी राम रहीम के उत्ते कई मामले हजे अजे ने जिन्हों के कोर्ट के सुनवाई चल रही है। इसको लैके सीनियर वकील RS बैंस का की कुछ कहना है वह सुना। और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना 31 लाख रुपए 31 लाख रुपए सर एक बार फिर दस दो किनो किनो केड़ी केड़ी सजा हुई है सर। सारे पांचों को 5 बजे को उम्र कैद और बाकियों को 50,000 जुर्माना। राम बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है। उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार या जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं वो माफी दे सकता है। तो दो बारी उम्र कैद हुई पड़ी है तो लगता है तो हमारी कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली का उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती हैं। मगर अगर एक केस में उन्हें माफी मिल जाए तो फिर दूसरी उम्र कैद फिर भी कायम रहती है। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला है हमें। सर जब कितने सालों के बाद कितने साल के 19 साल 3 महीने के बाद। हाँ जी मैं 7-8 साल का। हाँ जी परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज भी। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से इतने संघर्ष कर रहा था लड़ाई लड़ रहे थे उनको इंसाफ मिला है। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। बहुत जल्द देश के तापमान के विच गिरावट आने वाली है। जी हाँ सर्दियों का मौसम बहुत जल्द दस्तक देन जा रहा है। इस गल का खुलासा मौसम विज्ञानियों के वलों किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जिस हिसाब के नाल मीह पै रहे ने इन मीह के पैण के कारण तापमान लगातार गिरता जा रहा है जिस दे नाल बहुत जल्द सर्दियों की रुत दस्तक दे देगी। देखिए जो वेदर आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में काफ़ी झमाझम बरसात नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई राज्यों में हुई है। हालांकि बरसात तो 24 घंटे से पहले हल्की फुल्की शुरू हो गई थी कई एरियाओं में। अगर इसमें खास भारी बरसात की जो बात करेंगे जो खास बरसात हुई है वो उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी में भारी बरसात हुई है। उसके बाद जो बरसात भारी में आती है वो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान हरियाणा इन एरियाओं में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है। और अगर हम NCR दिल्ली की बात करें तो NCR दिल्ली में भी कई जगह जो भारी बरसात रिपोर्ट हुई है। जहां हम हल्की बरसात कहेंगे जो लाइट टू मॉडरेट टाइप की बरसात हुई है वो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और पंजाब के एक दुक्का जगह में और वेस्ट राजस्थान का एक आध जगह में हल्की फुल्की बरसात हुई है। अगर हम आगे 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे की जो स्थिति है काफ़ी इम्प्रूव में नहीं है, इसी तरह की बनी रहेंगी। और उसमें खास तौर से जो बरसात होगी जहाँ भारी से बहुत भारी बरसात और एक दो जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेन की बातचीत है जो 20 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है वो उत्तराखंड और वेस्ट यूपी रहेंगे। उधर किसानों के वलों रेल रुकू अंदोलन का जो ऐलान किया गया सी वो ऐलान बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते सफल होया। पंजाब होवे हरियाणा होवे उत्तर प्रदेश होवे हर पासे किसानों के वलों रेलां रोकिया गई। पंजाब दे विच अते हरियाणा दे विच कुल 30 तो ज़्यादा थावां दे उत्ते किसानों ने रेलां रोकिया। इन्हां रेलां रोकू अंदोलन दे विच 6 घंटे तक दा जिहड़ियां रेलां बंद रहियां ने। किसानों के वलों ये ऐलान लखीमपुर खीरी मामले दे विच मंत्री नूं अहुदे तो हटाउण दी मंग दे नाल कीता गया सी ते उन्हां नूं जेल करवाउण दी मंग कीती गई सी। सो इस मसले दे विच किसान की कह रहे ने पहलां सुणाउने आ ते उस तों बाद भाजपा आगूआं दा इस दे उत्ते प्रतिक्रम है। देखो ये जिहड़ा लखीमपुर खीरी दे विच बड़ी निंदनयोग घटना हुई सी उहदे संबंध दे विच जिहड़ा मंत्री आ केंद्रीय राज्य गृह मंत्री आ उन्हें हुण तक ना अस्तीफा दिता ना उन्हें बर्खास्त किया गया। उहदे संबंध दे विच जिहड़ा ये प्रोग्राम अज सवेरे 10 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक ट्रेना रोकण का प्रोग्राम है। बिल्कुल जी बिल्कुल ये संयुक्त किसान मोर्चे वालों ही प्रोग्राम है और सारिया जथेबंदियों वालों साझा प्रोग्राम है। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा वा प्रोग्राम दिंदा असीं उहदे ते ही फुल चढ़ाउने आ। कोई भी अपने वालों अपने तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं हुंदा।
देखो अज का मेन जो यही है जरा वा वो मंत्री अस्तीफा दे सरकार बर्खास्त करे उन्नी देर तक जरा वा इदा के प्रोटेस्ट जोड़े होंगे रहने जो नहीं करेगा तो संयुक्त किसान मोर्चा अगर जो भी प्रोग्राम देगा उस हिसाब न अं चलोंगे। देखो कारण सीधा तो स्पष्ट कारण आ भी जोड़ा पोष गोल आ जोड़ा अपना मंत्री आ सेंटर का मंत्री आनू असी चाहते हाँ भी जरा अस्तीफे अस्तीफा चाहिए सूँ क्यों वो जिन्ना चर वह अस्तीफा नहीं हूँ पुलिस के काम से दखलअंदाजी देगा पुलिस अपनी पारदर्शी काम नहीं चलने पावर रहेगा। हूँ देखो कैप्टन साहब लत गया जिदन के कैप्टन साहब लत गए नाले ही 17 OSD घर चल गया काम सही हो पाब इस करके कहने भी जोड़ा भी वो जिन्ना चर पावर च रहेगा उन्होंने पावर तो बहर कर देना चाहिए जिन्ना चर तक इनकुआरी नहीं चलती इनकुआरी चल जाए आपे दुध का दुध पानी का पानी फिर उन्हें आना ही नहीं फिर तो यह बंद किसी पार्टी ने लैना ही नहीं। वो जोड़ा यूपी के घटना वापरी है साढ़े चार किसान शहीद हुए ने उत्ते एक पत्रकार शहीद होगा तीन दूजी तरह के बंद की मौत हुई हैगी असी यही जोर पा रहे संघर्षा के राही भी उन्होंने मुंडा तो वह अंदर भेजता भी वह मंत्री का अस्तीफा लेके तो उन्होंने अंदर भेजा जाए एक दो तीन प्रोग्राम दिते ने जिदे अज रेलों का प्रोग्राम हुंदा असी 10 बजे तो लैके 4 बजे तक सारे भारत के रेलों का चक्का जाम किया जाऊगा उही है भी उन्होंने मंत्री को सस्पेंड करो तो उन्होंने जेल च असल जिहड़ा अंदोलन तो है सारे भारत के रोके जाने जो लैना गड्डिया लाजमी है पूरा सारे पास सुनेहे मिले हुए ने पूरा जच के कम चल रहा है मन सरकार यही नहीं रही सी बार बार मैं ये गल कहना हुन्ना लड़ाई दो जमातों के विच है एक जमात लुटदी है एक जमात लुटी जा रही है उहदी गिरफ्तारी नूं लैके ते उहनूं मान लो उहदे तों खारज किया जाए मेन मंग तो यह है इहदे नाल दूसरियां सारियां मंगां जिवें तिन्ने काले कानून रद्द करने होर मंगां नूं लैके अज पूरे भारत के 6 घंटे का चक्का जाम किया जा रहा है उहदे विच अज असी मानसा के जिहड़ा ये चक्का जाम है कर रहे हैं गे वड्डी गिनती दे विच जिहड़े किसान है वह आ रहे ने किसान क्योंकि 12 बजे दे लगभग पहुँचने शुरू हुंदे ने गे इस करके मैं अपने चैनल के जरिए सारे मेरे जिहड़े किसान मजदूर मुलाजम कोई भी है किते भी है जिहड़ा अज चक्का जाम है रेलों का वह शांतमई तरीके दे नाल होना चाहिए जिन्ना चिर ये काले कानून खत्म नहीं होंगे तो उन्होंने सजावं नहीं मिलदियाँ उन्ना चिर यह जरा संघर्ष है जारी रहेगा जे ये ना गौर हुई तो आने वाले दिनों संयुक्त मोर्चे वालों कोई तिखा संघर्ष का ऐलान आऊगा उसे असं फुल चढ़ावे। सो इस सारे अंदोलन के उत्ते भाजपा आगू का कहना है कि इस मसले के सुनवाई चल रही है तो कानून अपना काम कर लैन देना चाहिए ना कि इस तरह प्रदर्शन होने चाहिए। सारी स्थिति स्पष्ट है जनता के सामने भी किसानों के सामने भी स्थिति स्पष्ट है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों पर रोक लगाई हुई है तो किसानों का रेल रोक को आंदोलन करने का या दिल्ली में जंतर मंतर बनाने का अनुरोध करने का ये सारी चीज़ों का औचित्य कोई लगता नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय बराबर फटकार लगा चुके हैं कि भाई आप किस लिए बैठे हो यहाँ पर जब कोई कानून एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है इनके ऊपर रोक लगी हुई है तो किस लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हो ये समझ में नहीं आ रही है। तो ये महज एक राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश के पंजाब के उत्तराखंड के गोवा मणिपुर चुनाव हैं और लगता है कि आने वाले 2024 में भी मोदी जी दोबारा फिर आएंगे तीसरी बार आएंगे इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तो जो ताकतें विचलित हैं इस विषय को लेकर वो किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रही हैं। किसान कुछ भ्रमित है कुछ जानबूझ के जानते हुए भी वो इस पटड़ी के ऊपर आना नहीं चाहता वो कुछ राजनीतिक भावना से प्रेरित है यही इस आंदोलन में हो रहा है। देखिए ये पूरे राष्ट्र का नुकसान है जनता को परेशानी है लोकतंत्र में एक प्रजातांत्रिक तरीके से हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है लेकिन विकास के पहिए रोकने का उसको हक नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीका है रेल को रोकना बसों को रोकना इससे देश का विकास प्रभावित होता है और इसका आखिरकार सारी जनता के ऊपर ही असर पड़ता है। देश के बजट पर जो असर पड़ेगा वो सारी जनता के ऊपर ही आएगा वो उसमें किसान भी शामिल होगा सब लोग शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये राष्ट्र का नुकसान है इस बात को समझना चाहिए किसानों को। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल लई इना ही फिर मुड़ हाजिर होवांगे नवीं ते ताज़ा अपडेट्स नाल तद तक लई मिलदे हो इजाजत बहुत बहुत धन्यवाद।